आज की कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने जीवन भर संघर्ष किया और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उसका जन्म तो एक महान योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन समाज ने उसे उसके जन्म के कारण ही हमेशा अपमानित किया। उसका जीवन सिखाता है कि भाग्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, अगर हमारे पास साहस और समर्पण है तो हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के वैसे योद्धा की जिसकी वीरता और दानवीरता की प्रशंसा खुद भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, और वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। बचपन से ही कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को अर्जित किया, परंतु उसे कभी वो मान सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। जब दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया और उसे अंग देश का राजा घोषित किया, तब कर्ण ने अपना संपूर्ण जीवन मित्रता और निष्ठा के लिए समर्पित कर दिया। उसने अर्जुन से युद्ध में भी अपने धर्म का पालन किया, भले ही वह जानता था कि उसका अंत निकट है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने आप पर विश्वास रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंत में हमारा कर्म और निष्ठा ही हमें विजय दिलाती है। कर्ण ने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, और इसलिए वह आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। कर्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके जीवन का हर क्षण हमें यह संदेश देता है कि समाज चाहे कितना भी पक्षपाती क्यों ना हो, हमें अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। कर्ण की तरह हमें भी अपने संकल्प, साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची विजय है। जय श्री।